सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ जी। देखिए, जब बारिश की बूंदें पड़ती है ना, तो रंग जो होता है ना, वो कुछ अलग अलग सा बड़ा निखरा निखरा सा नजर। किस चीज का? पेड़ पौधों का, फूलों का, मौसम का, कपड़ों का रंग भी बहुत खिलता है। देखो भाई, पेड़ पौधों का जो रंग खिलता है, क्योंकि भाई इतनी धूल जो होती है वो सब हट जाती है, तो जो उनकी हरियाली है या जो हरे रंग है उनके, वैसे तो ये भी देखा होगा हमारे साथियों ने कि इतने तरह के हरे रंग, उनके कितने शेड्स हैं, ये प्रकृति हमें दिखाती है और ये सब बखूबी हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि सब पत्तियाँ, सब शाखें धुल जाती हैं और निखर जाता है सारा रंग। तो ये खूबसूरती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि जो हमारे घर में चीज़ें हैं वो भी ऐसे ही चमकती रहें, खूबसूरत लगें, हर वक्त साफ़ सुथरी रहें। तो कहीं ना कहीं कांच के जो बर्तन होते हैं वो हम उनका प्रयोग शायद इसीलिए करते हैं कि उनमें रेखाएं वगैरह नहीं खींचती हैं, तो गंदगी नहीं जमा होती है। हाँ। तो वो अगर उनका थोड़ा सा देखभाल उनकी की जाए तो शायद वैसे ही चमकते रहते हैं ना। जी जी। और आज लंच बॉक्स और हमारी सेहत, इसका बड़ा तालमेल है बुआ जी। हाँ भाई, लेकिन पहले ये तो नहीं बताया कि कांच के बर्तन का हमने क्यों बात की। भाई, कांच के बर्तन के रख रखाव के बारे में हम बात करेंगे। कांच के बर्तनों का रख रखाव, ये आज हमारा विषय होगा, और फिर बात करेंगे लंच बॉक्स और हमारी सेहत। और बुआ जी, भाई देखिए, सेहत भी निखरती है और जो खूबसूरती है वो भी निखरती है, तो एलोवेरा के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। और आज है कथा सुधा का दिन, और कथा सुधा में आज हम लेकर आएंगे दो बैलों की कथा। प्रेमचंद की ये कहानी है, इसका दूसरा भाग आज आप सुनेंगे, तो इसका पठन भी आज हम जरूर सुनेंगे। हमारे साथियों को इंतजार रहता है कथा सुधा का, और इंतजार तो गीतों का भी रहता है संगीता, है ना। जी। झिम झिम के तराने लेके आई बरसात, झिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहले मुलाकात, झिम झिम के तराने लेके आई बरसात। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं बस, मैं ना बोलूं आँखें करे आँखियों से बात, झिम झिम के तराने लेके आई बरसात। चल रहा है मेरे साथ, रिम झिम की तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिम झिम के तराने लेके आई बरसात। I'm
इतने सारे तराने। बिल्कुल सही बात है, ये हाँ। मौसम ही ऐसा है, हर तरफ खनक ही खनक है बुआ जी, और कांच के बर्तनों में भी ऐसी कुछ खनक होती है, बड़ा संभालना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसे धोना है या साफ सफाई करनी है, और कितना सेहतमंद है कांच के बर्तनों में खाना खाना। वैसे कप का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, टी सेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ग्लासेस का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें किस तरह से अच्छी तरह से साफ सुथरा किया जाना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। जो दाग होते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी से दिखाई पड़ते हैं, यानी कि अगर ग्लास पकड़ करके अगर पानी भी पी लिया गया तो बिल्कुल उंगलियों के दाग आ जाते हैं। लेकिन जो एक उनमें जो धूल वगैरह जमी होती है या जो गंदगी जमी हाँ। होती है, उसका भी एक ये होता है कि जल्दी जल्दी से वो गंदे होते हैं, और खाने के बाद जो है वो तो खैर है ही है, और साथ ही साथ जो अलग अलग फूलदान वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको भी संभालने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, और निशान तो वैसे सभी बर्तनों में पड़ जाता है, लेकिन हाँ ये कि चूंकि कभी कभी जब ये पारदर्शी होते हैं तो इसमें दिखाई देता है, और अगर रंगीन होते हैं जैसे कप आदि हैं, पारदर्शी नहीं है तो उतना दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ अगर हम चाय की बात करें तो भाई चाय और गर्म चीज़ें हम इसलिए इसमें पीते हैं क्योंकि वो बाहर या ऊपर से इतनी तेज़ी से गर्म नहीं होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं गर्मी के, तो जाहिर है कि पीने में आसानी रहती है, आपकी जीभ नहीं जलती। वहीं अगर धातु का है कोई बर्तन तो जाहिर है कि जीभ आदि जलती है, क्योंकि स्टील के कप बहुत चले थे लेकिन फिर वो ज्यादा इसीलिए चल नहीं पाए क्योंकि वो कह सकते हैं ना कि इस्तेमाल करने में बहुत आसान नहीं था, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। लेकिन हाँ ये है कि चीजें कैसे ठीक रहती हैं कांच के बर्तन में, ये बात सोचने वाली है ना। और प्लास्टिक वगैरह की जो वस्तुएं आती हैं, बर्तन आते हैं, उसमें जो एक अलग तरह की नींबू जी अगर रख दिया जाए तो जो महक है वो एक अलग ही तरह से महक आ जाती है उसमें। बिल्कुल। और अगर किसी और भी बर्तन में अगर रखा जाए, लेकिन इसके बनिस्बत अगर ग्लास में रखा जाए, कांच के ग्लास में उसमें, तो या तो फिर जार वगैरह की बात करें, किसी भी चीज में रखें तो उसमें गंध वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहती। तो एक जो साफ सफाई है और एक बड़ी ही अलग सी जो कहते हैं ना कि बिल्कुल नेचुरल उसमें बिल्कुल प्राकृतिक सा महसूस होता है, यानी कि अगर किसी प्लास्टिक के बर्तन में या किसी धातु में रखा गया पानी थोड़ी देर के लिए रह जाता है, या रात में अगर उसको रख दें तो सुबह के वक्त थोड़ा सा बदल जाता है भाई। लेकिन ऐसा है कि कुछ चीजों में रखने के बाद वो फायदेमंद भी होता है, जैसे तांबे में रखने के बाद फायदेमंद होता है, और बाकी चीजों में बहुत नुकसानदेह तो नहीं होता। लेकिन हाँ ये है कि जो हम कुछ भी भोज्य पदार्थ रखते हैं जिसमें नमक है, मसाले हैं, कुछ है, खटाई है, वो जो है वो हमारे कांच में जो है वो प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो जाहिर है कि जो रिएक्शंस होते हैं उनके वो नहीं होते हैं इसमें, तो वो ठीक रहता है। जैसे चटनी अगर आपको रखनी है, अचार अधिकतर हम इसीलिए कांच के बर्तन में रखते हैं या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, अगर हम स्टील में या किसी भी धातु में रख देंगे तो वो कहीं ना कहीं रासायनिक प्रक्रिया जो होती है वो रिएक्शंस जो आते हैं उसकी वजह से वो नुकसानदेह हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग रखते भी हैं, ये पुरानी परंपरा भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब चूंकि उनकी देखभाल जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, जैसे पहले कह दिया ना तुमने खनकते हैं तो जाहिर है टूटते भी हैं, तो इसलिए अब उतना प्रचलन नहीं रह गया है, हम लोग घबराते भी हैं, और अगर एक सेट टूट गया तो पूरा सेट खराब हो जाता है ना। हाँ, क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत होता है, फिर एक उसमें कमी नजर आने लगती है। बिल्कुल सही बात है। तो जो भी हानिकारक रसायन होते हैं वो कहते हैं कि मिक्स नहीं हो पाते कांच में, तो इस वजह से जो शुद्धता है वो चीजों की बनी रहती है। अच्छा, एक चीज और है बुआ जी, कि इसका तापमान जो रहता है वो लंबे समय तक वैसे ही बरकरार रहता है। जैसे कि आपने बताया कि जो भी चटनी वगैरह है या अचार वगैरह है उसकी बर्नी, अब अचार अगर रख दिया जाए तो सालों साल उसमें अच्छा बना रहता है तापमान के लिए तापमान के लिए हम चाय पीते हैं, लेकिन हाँ ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए जाहिर है कि हम उसमें सिरका है, चटनी है, अचार है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई तेज चीज है वो भी हम उसमें ही रखते हैं ना। जी जी, सिरका आदि जो सब बनाते हैं हम सब। और बरसात वगैरह के मौसम में जो फंगस वगैरह होती है या जो फफूंद जिसे कहें, तो वो उसे बचा रहता है। बिल्कुल। अब कुछ एक बर्तन ऐसे होते हैं जैसे शेक बनाते हैं या शरबत वगैरह बनाते हैं, तो वो कांच के बर्तनों में अगर रखा जाता है सुंदर लगता है, जग वगैरह है, ग्लास वगैरह है, उनमें रख के दें तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक कहते हैं ना कि लुभावनी सी रंगत भी कांच हाँ, में होती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जिस रंग का शरबत वगैरह रहा तो वो उसी रंग में ढलकर जरा दिखाई देता है और अच्छा लगता है। बच्चे बड़ा शौक से पीते हैं, बड़े भी सही बात है, और अच्छा भी लगता है खुद भी देखने में कि हम कौन सा शरबत पी रहे हैं। जैसे कि अगर गुलाब का है तो जाहिर है गुलाबी रंग दिखाई देगा, ऐसे ही बहुत सारी चीजें, कुरासो है तो फिर रोजी रंग का दिखाई
दिखाई देता है, फालसे का रंग है तो हाँ फालसे का रंग दिखाई देता है। और इसमें रखने का एक और फायदा है ना संगीता, कि अगर जैसे नींबू का शरबत जैसे तुमने अभी याद दिलाया, तो ये तो दिख जाता है कि हाँ ये शरबत है, अगर सादा पानी है तो सादा पानी है, ये हम अंतर तुरंत दिखाई दे जाता है। तो ऐसे ही गंदगी और सफाई भी तुरंत दिखाई दे जाती है, है ना। जी जी जी। और जो भंडारण के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बर्तन या जो डिब्बे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसा पहले भी बहुत देखा जाता था बुआ जी, कि नमक वगैरह कुछ खास चीजें ऐसी होती थी जो कांच की ही बर्नी में रखी जाती थी, अलग अलग से गोल भी आते थे। हमने कहा ना वो तेज होता है, जैसे नमक तेज होता है, आप देखेंगे तो पता चलता है तुरंत पानी छोड़ता है, यानी कि जो भी पर्यावरण से मिलकर तुरंत प्रतिक्रिया करता है ना, तो वो जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उससे बचते हैं अगर हम जब कांच में रखते हैं तो। जो बर्तन कांच के हैं उन्हें अगर सिंक वगैरह में धोना है तो हल्के से जो थोड़े टॉवल होते हैं जो तौलिया होती है उससे बिछा दिया जाए तो वो टूटने का जो डर है वो नहीं रहता। अब जब धोना है, अगर सिंक में नहीं धोना है तो टब में डालकर हल्का नींबू वगैरह डालकर या सिरका या थोड़ा कुछ डिटर्जेंट पाउडर से भी साफ कर सकते हैं घोल बना करके। और दूसरे जो बर्तन होते हैं यानी कि जो दूसरे धातु के बर्तन होते हैं उनसे अलग करके ही धोना अच्छा होता है।
हाँ, तो कोशिश आप यही करें कि अगर आप खुद बर्तन धोते हैं घर में तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप ध्यान रखेंगे ही, क्योंकि जाहिर है कि सीधे सीधे आपका नुकसान होने वाला है, कहीं ना कहीं आपका पैसा लगा है, तो जाहिर है कि हम ज़्यादा मतलब बहुत एहतियात के साथ सारे काम करते हैं। लेकिन अगर घर में आपने किसी सेवक सेविका को रखा है तब भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, कांच के बर्तन आप स्वयं धो लीजिए, और नहीं तो उसको थोड़ा अलग रखें और उसे कह दें कि भाई पहले इसको धो लो, फिर उसके बाद बाकी जो धातु के बर्तन हैं उनको धोया जाए। तो ये जो है एहतियात तो रखना बहुत ज़रूरी है जी। और हल्के गर्म पानी में, जैसा कि अगर नींबू का रस भी डालना है तो नींबू का रस, या फिर नींबू जो कटा हुआ वो छिलका है वो भी डाल सकते हैं, रस निचोड़ा हुआ, और बोरेक्स का जो पाउडर आता है थोड़ा सा अगर उसे मिला दें, या फिर पानी में जो घोल बना रहे हैं, जो भी घोल बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा वगैरह डाल दें, तो उससे भी बर्तनों में, कांच के बर्तनों में खासकर चमक आ जाती है। और धोने के बाद फिर तुरंत से ही अगर उसको पोंछ लिया जाए, साफ कर लिया जाए तो अच्छा, सुखा लिया जाए तो अच्छा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है वो जैसे कि बाकी चीज़ें हम लोग बार बार कह रहे हैं ना कि दिखाई देता है, तो गंदगी जैसे दिखाई देती है तो वैसे ही अगर पानी का निशान भी अगर ठहर गया, बहुत साफ़ नहीं हुआ और ठहरता ही है, तो जो बूंदे हैं उनका निशान पड़ जाता है, फिर वो दिखाई देता है। तो आमतौर पर जैसे वैसे भी हमारे घर में जैसे कॉफ़ी टेबल होती है, जो सेंटर टेबल होता है ड्राइंग रूम में बैठक में, वो भी कांच का ही अधिकतर होता है, शीशे खिड़कियों में भी लगे होते हैं, तो जिस तरह से आप उसे पोछते हैं तुरंत अखबार से या किसी भी चीज़ से, तो वैसे आप इसको अगर तुरंत पोछ लेंगे तो बहुत अच्छा है, और कपड़े से पोछने से बेहतर है, क्योंकि उसके फिर उसमें हल्के हल्के रेशे रह जाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप किसी मतलब कागज़ से पोछेंगे तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा और पानी बिल्कुल सूख लेगा उसे। कहते हैं कि कागज से पोंछना, अखबार के कागज जो आते हैं उनसे बहुत अच्छे से सूख जाता है। और जो बोतलें वगैरह हैं उन्हें सॉफ्ट ब्रश वगैरह से धो लें, और जो अगर अचार वगैरह का मिर्तबान वगैरह तो उसे फिर बहुत सावधानी से धोने की जरूरत होती है, उसे तो बेहतर है बुआ जी के नीचे ही रख करके धोया जाए, सिंक में बिल्कुल ना धोया जाए। और जैसे नहीं, अचार के जो होते हैं मिर्तबान वगैरह वगैरह, उनकी बात करी थी कि उन्हें धोने में बड़ी सावधानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं, भारी भी होते हैं, तो रखने उठाने में भी जो है सावधानी की जरूरत होती है। लेकिन जो कांच के बर्तन धुले हैं अलग रखने के बाद उन्हें रैक पर लगा देना ज्यादा अच्छा रहता है, ना कि जैसे कई बार देखा जाता है कि भाई प्लेटें हैं तो प्लेट के ऊपर प्लेट वगैरह ऐसे करके, या डोंगे के ऊपर डोंगे ऐसे रखने से थोड़ा सा अच्छा है कि अगर उसे रैक पर अच्छी तरह से रखा जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और जैसे कि सुखाने की बात हुई, इस समय ध्यान रखें, मर्तबान जो होता है वो भारी भी बहुत होता है, तो उसको इधर उधर करने में भी दिक्कत होती है, टूटने का डर रहता है, ख़ासतौर से जब आप धो रहे होते हैं तो साबुन का पानी आपके हाथ में लगा होता है, साबुन लगा होता है, तो उससे वो सरक जाता है बड़ी आसानी से। तो इस बात का बराबर ख्याल रखें कि जब आप अच्छी तरीके से साबुन जो आपके हाथ में न लगा हो तभी उसे फिर पानी से धोने, तभी ठीक रहेगा। अगर आपके हाथ में साबुन लगा है और उसे पानी से आप धोने लगे बर्तन को, तो जाहिर है कि सरकने की संभावना रहेगी। अच्छा बुआ जी, अगर एक के बाद एक के ऊपर एक भी रखने हैं अगर प्लेट से, तो जो एक पतले वाले फोम आते हैं एकदम पतले से, जो अक्सर करके हम लोग जब कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो उनकी शर्ट्स में लगा होता है, तो वो भी काट करके अच्छे से उसे एक के ऊपर एक बिछाया जा सकता है, जिससे उसमें रगड़ खाने का जो टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं, और वो भी रख सकते हैं आप, वैसे सामान्य अखबार भी रख सकते हैं, चाहे तो आप छोटे छोटे रुमाल अगर आपके पास नैपकिन है तो उनको भी आप बना कर रख लीजिए, जो कि हमेशा आप प्रयोग में ला सके। लेकिन अभी जैसे तुमने कहा कि उसमें खरोच पड़ने की संभावना है, तो हम लोग जो कह रहे थे कि बर्तनों में पड़ता है तो इसमें भी पड़ता है, तो जैसे तुमने अभी कहा कि ब्रश जो है वो बहुत मुलायम होना चाहिए उनको साफ करने का, या जो हम कढ़ाई वगैरह जिससे मांजते हैं स्टील का जो झावा आता है उससे बिल्कुल ना साफ करें, अगर कहीं गंदा है तो उसको पानी लगा कर थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए, कोई ऐसी चीज सूख गई है तो उसको अच्छे से छोड़ दीजिए, या अगर कोई निशान पड़ गया है तो उसे नींबू आदि से साफ करने का प्रयास करें, उसको किसी भी तरह से खुरचे नहीं, क्योंकि अगर निशान पड़ जाएगा और फिर उसमें गंदगी जमा रहेगी तो वो दिखाई भी देगी, फिर आपका वो प्रयोग के योग्य नहीं रहेगा। और तुरंत के तुरंत धो लें तो ही ज्यादा अच्छा है, रख देने से तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई वजह से आप नहीं धो सके हैं तो उसको भिगोकर छोड़िए, और आप ध्यान रखें कि तुरंत आप उसको किसी तरह से बाकी जो बर्तन होते हैं स्टील के या पत्थर के उसमें खुरचने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं, तो इस तरीके का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और बुआ जी, साथ ही साथ जो एलोवेरा है
वो भी जिस तरह से साफ सफाई बहुत अच्छी कांच के बर्तनों की चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि भाई अपने रूप को, अपने चेहरे को किस तरह से निखारा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही कुछ चमक होती है एलोवेरा इस्तेमाल करने से। तो शीशे के बर्तन को ना लगा दें। हाँ, शीशे के बर्तन को तो नहीं लगा सकते लगा सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आप उसका प्रयोग अपनी त्वचा पर करेंगी तो ज्यादा फायदा होगा, है ना। बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं बुआ जी। बिल्कुल। आँखों में रंग क्यों आया, बोलो नशा सा क्यों छाया, हमको ये राज बतलाओ, दिल खो के तुमने क्या पाया। आप ही के हैं, हमसे यूं शर्म ना कीजिए। हरगिज न कहूंगी ये बात, जोड़ोगे न जब तक हार, बन के नसीब रहना करीब जू तारा चांद के सहार। तुमसे जुदा न होंगे हम, बदले हजार ये आलम, हम तुम पे जान दे देंगे, गाती है सांस की सरगम। आँखों में रंग क्यों आया, बोलो नशा सा क्यों छाया, हमको ये राज बतलाओ, देखो के तुमने क्या पाया। आँखों में रंग क्यों आया। इतना सारा रंग देखे आ गया गीतों में बिल्कुल सही है, और यही हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे की जो रंगत है वो बनी रहे। हाँ हाँ बुआ जी, तो पोषक तत्वों से भरा, मिनरल्स, एमिनो एसिड, विटामिन्स की खूबियों से भरा जो एलोवेरा है, उसे लगाना भी बड़ा आसान है बुआ जी। हाँ, गार्डन में लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है। गार्डन में लगा सकते हैं, किचन गार्डन में लगा सकते हैं, छोटे से आप गमले में या किसी भी पॉट में, सुंदर से पॉट में आप लगाकर रसोई घर में रख सकते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है, वाकई ये चमत्कारी पौधा है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है और मॉइस्चराइजिंग का भी गुण है इसमें, यानी कि हमारे चेहरे को या हमारी त्वचा को नमी देता है। तो ये बहुत इंग्रेडिएंट है खासतौर से ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए।
और एक चीज और है ना बोलिए कि चाहे कोई भी मौसम हो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखो सही बात है, ये एक अच्छी बात है, चमत्कारी, इसीलिए तो कह रहे हैं ना। देखो जी, बहुत चमत्कारी है, और त्वचा और बालों के लिए भी, मतलब चेहरे के लिए तो है ही है, बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, लाभकारी है। और इसका जो जेल होता है, जूस होता है, सेहत के मद्देनजर भी अगर देखें तो बहुत फायदेमंद है। सौंदर्य की तो खैर बात ही क्या कहना, वजन कम करना, पाचन तंत्र वगैरह को ठीक रखना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और शुगर कहते हैं ना बुआ जी जो मधुमेह है उसमें काफी कारगर है। जैसे कई बार कहते भी हैं कि खाना खाते भी हैं लोग एलोवेरा। हाँ, खाते हैं, और बल्कि बहुत ज्यादा जो कमजोर हो जाते हैं लोग उनको इसका पाक बना कर देते हैं, तो इसको घी क्वार कहते हैं। हाँ, और एलोवेरा को, और इसका पाक बनाते हैं, कहते हैं लोग बिल्कुल जो मृत्यु के कगार पर रहते हैं वो भी बच जाते हैं, अगर कमजोरी की वजह से, अगर इस तरीके की अगर उनकी स्थिति होती है तो। क्योंकि इसमें मिनरल्स हैं, पीएच लेवल सभी जो है वो सही होता है, जो कि हमारे बालों की वृद्धि के लिए अच्छा होता है, मजबूत बनाता है स्कैल्प के साथ साथ, जो खुजली रहित हो जाती है हमारी, जो स्कैल्प जो होता है यानी कि जो हमारे खोपड़ी की जो त्वचा होती है जहाँ बालों के जड़ में, तो वो साफ सुथरी हो जाती है। जेल या जूस को बालों में लगाकर कुछ छोड़ दें, फिर धो दीजिए, देखिए कितना अच्छा चमक आ जाएगी बालों में, झड़ना कम हो जाएगा और अलग तरीके का उसमें जो है ना मुलायमियत आ जाती है। हाँ, और एप्पल साइडर विनेगर जो है उसके साथ भी मिलाकर लगा सकते हैं, क्लिंजर के तौर पर भी ये काम करता है, दही में मिलाकर भी एलोवेरा को लगाया जाता है, और हेयर मास्क भी इन्हीं चीज़ों से मिलाकर बनाया जा सकता है। इसमें कुछ एक विटामिन ई की कैप्सूल्स भी चाहें तो एकाध उसको खोल करके डाला जा सकता है, डाला जा सकता है वैसे, लेकिन इसको प्रयोग करने के लिए कहते हैं कि इसको काट के पहले आप जिस तरफ से आपने काटा है उसको एक किसी भी बर्तन में खड़ा करके रख दीजिए ताकि जो भी पीला जो उसका है पदार्थ वो निकल जाए, कहते हैं वो जहरीला होता है। अच्छा। तो ऐसे ही ना लगा लें, उसको थोड़ी देर छोड़ दें, उसमें जो पीला पीला निकलता है सीरम जैसा, वो कहते हैं जहरीला, अगर आप चेहरे आदि पर लगाते हैं तो उसको निकाल, थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए, वो दो चार बूंद ही निकलता है, उसको निकल जाने दीजिए, फिर उसके बाद ऊपर नीचे से छील लीजिए, और उसके बाद जो उसमें पल्प निकलता है उसको पीस कर या वैसे ही लगा लीजिए, क्योंकि त्वचा के दाग धब्बे हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और थोड़ी देर उसे सूखने दें, लगा रहने दीजिए, उसके बाद इसमें उसको धो लीजिए, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और कुछ ऐसी गुण हैं जो मुहासों को हटाने में बहुत फायदेमंद है। तो एक बेहतरीन मेकअप रिमूवर के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे थोड़ा सा रुई में लगा लें और उसके बाद फिर जो मेकअप है उसको उस चेहरे पर लगा दें तो वह मेकअप आराम से उतर जाता है। और हल्दी वगैरह में मिलाकर या दूध, शहद, गुलाब जल, एलोवेरा के जेल में अगर मिलाकर लगाया जाए या फिर जो एलोवेरा का पल्प है उसमें मिलाकर लगाया जाए, 15-20 मिनट तक छोड़ दिया जाए सूखने के लिए, फिर से हल्के गुनगुने पानी से धो दें तो निखार आता है चेहरे पर और दाग धब्बे में भी फायदा होता है। दाग धब्बों की बात आई तो देखो, जो धूप से टैनिंग हो जाती है यानी कि हमारे चेहरे पर जो धूप से रंग आ जाता है या स्विमिंग पूल आदि में नहाने से जो लग जाता है ना क्लोरीन का जो टैनिंग हो जाती है, उसको हटाने के लिए भी एलोवेरा जेल जो है बहुत अच्छा फायदेमंद है। थोड़ा सा खीरा जो है वो इसमें मिलाकर पेस्ट बना लें दोनों चीज़ को, चाहे तो आप नींबू भी मिला सकते हैं कुछ बूंद, लेकिन इतना भी काफ़ी है, इससे जो है वो सनबर्न में भी फायदा होता है। और थोड़ा सा जेल में कॉफ़ी मिला करके भी लगाया जा सकता है, और उसे फटी एड़ियों में 15-20 मिनट तक अगर लगाकर छोड़ देंगे, वैसे जाड़े में तो ज़्यादा होता है बुआ जी, और नेचुरल डिटॉक्सर भी है कहते हैं कि इसमें पाया जाता है, और कुछ एमोडिन टाइप का होता है, तो शरीर की शर्करा को कम करके शुगर लेवल को अच्छा रखता है, घाव को भी भरने में इस्तेमाल होता है। तो भाई सौंदर्य के साथ साथ एक बात और है कि अगर आप जल गए हैं, मतलब आग से अगर आप जल गए हैं, तो बेहतर है कि आप तुरंत एलोवेरा लगा लें, इसीलिए हमने कहा कि इसको रसोई घर में लगाकर जरूर रखें। तो थोड़ा सा आप काटिए तुरंत और तुरंत उसको लगा लीजिए, देखिए ना तो फफोले पड़ेंगे, जलन भी तुरंत कम हो जाएगी, तो बहुत फायदेमंद है ये पौधा। एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, मिलते हैं अंतराल के बाद।
अंतराल खत्म हो गया बुआ जी, कथा सुधा सुनना है। बिल्कुल, तो सुनते हैं आज कथा सुधा में दो बैलों की कथा। हाँ, कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बैलों की कथा। आपको सुनवा रहे हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग, वाचन स्वर कमल शर्मा का। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वो दोनों भागे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी तो तेजी से भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते कि कहीं कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता हुआ चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ जाना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर तो जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान कैसे बचेगी। अरे भाई कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चले, भागना कायरता है। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी से। उपाय यही है कि उस पर दोनों प्राणी एक साथ चोट करें। मैं आगे से दौड़ाता हूं, तुम पीछे से दौड़ाओ, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। जान को खतरा है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को कभी संगठित शत्रुओं से लड़ने का अनुभव न था, वो तो शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदि था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने दौड़ाया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों चतुर थे, उसे ये अवसर ही ना देते थे। एक बार सांड क्रोध में भरकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरी ओर सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा घायल होकर भागा और दोनों ने दूर तक पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी संकेतों की भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने विरोध किया, गिरे हुए शत्रु पर सींग नहीं चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है, बैली को ऐसे मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब पहुंचेंगे कैसे ये सोचो, भाई पहले कुछ खा लें तब सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ही ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। भाग न सका
पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है, लौट पड़ा। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा मौका आया कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ में ही ना आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, वहां कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। रात को भी कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विरोध की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रह जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है जैसे प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ ना होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नोकदार सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उजड्डपन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई ना, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार लिया, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहां बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। दो चार दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है, अच्छा तो लो फिर मैं भी जोर लगाता हूं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो वही दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी विरोधी से लड़ रहा है। आखिर दो घंटे की कोशिश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गईं, लेकिन गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे, भागें या न भागें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम मुसीबत में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हें गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची। इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था, ठठरियां निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरतें देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है? सहसा एक दाढ़ी वाला आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर
मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भयभीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से बेकार भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। अरे भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अपना बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे और भय के मारे गिरते गिरते भागे जाते थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर का डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का झुंड हरे भरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चंचल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा जुगाली करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये तो परिचित मार्ग है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, वही खेत वही बाग वही गांव मिलने लगे। पल पल उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। हाँ, ये लो अपना ही हार आ गया, इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। अरे हाँ, यही कुआं है, मोती ने कहा, हमारा घर निकट आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं, ये जाने देगा इसे मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर ले चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। दोनों बछड़ों की भांति प्रसन्नता प्रकट करते हुए घर की ओर दौड़े, वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़जल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, दड़जल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे, मैं तो मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं, मैं तो समझता हूं चुराई लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल क्रोध करता हुआ बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी समय मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका, पर खड़ा दड़ियल रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी बहादुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे ना छोड़ता, अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, और जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊंगा। अरे हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे होते हैं। जरा देर में नांद में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद की लिखी इस कहानी का ये था दूसरा और अंतिम भाग। वाचन स्वर कमल शर्मा का था।
बैलों की कथा। बिल्कुल, इतनी सुंदर बुआ जी। जी हाँ, तो ये है, कहते हैं ना कि इंसान के संग संग हम सोचते हैं सिर्फ हम ही संवेदनशील हैं, जानवर भी बहुत संवेदनशील होते हैं। और किस तरीके की ये मार्मिक कथा प्रेमचंद जी ने लिखी थी, आज हमारे साथियों ने इसे सुना, इसका पठन सुना। तो हर सोमवार इंतजार करते हैं हमारे साथी, है ना जी जी, और इंतजार तो गीतों का भी करते हैं। हाँ। तो पीसा जा रहा है, कुछ कूटा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, गांव का एक जो परिवेश होता है उसकी पूरी तरह से याद दिलाता है ये गीत। वैसे हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों को जब भी लंच बॉक्स देना हो या खुद ले जाना हो तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा पौष्टिक और ताजा खाना हो, हल्का हो, ताकि वो जो मौसम है उनके हिसाब से चल सके, यानी कि गर्मी के मौसम में ख़राब ना हो। तो इस वक्त तो बारिश का मौसम है, लेकिन इन्होंने इस तरह लिखा है। और खाना हमेशा बच्चों की पसंद का हो, जो वो खुशी से खा लें फेंकें ना। ऐसा भी कई बार होता है कि बॉक्स में अगर खाना पसंद नहीं आए तो फिर बच्चे फिर नहीं खाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी। भाई ये तो सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, लंच बॉक्स तो हम भी ले जाते हैं, जो लोग और भी अपने व्यवसाय पर जाते हैं वो भी लेकर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि चूंकि उसमें रखी हुई चीज़ें ठंडी हो जाती हैं तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि क्या दिया जाए। जैसे ग्रिल्ड सैंडविच है,
जिसमें कि हम वो बेक कर देते हैं, तो वो जो एकदम अजीब सी कड़ी हो जाती है जो आप नहीं खा सकते ठंडी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके संग संग जाहिर है कि हम उसकी पौष्टिकता का भी ख्याल रखें, है ना। बिल्कुल। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बच्चों या बड़ों किसी के लिए भी लंच बॉक्स तैयार करते समय सबसे आवश्यक है खाने में पर्याप्त पोषक तत्वों का होना। इसलिए उनके जो टिफिन बॉक्स हैं उनमें जो कैलोरीज हैं वो ठीक तरह से होनी चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब अच्छी तरह से शामिल हो, ऐसी रेसिपी बनाएं। और इसके अलावा मौसमी फल को भी शामिल करना चाहिए, और इम्यूनिटी ये सब बढ़ाते हैं और जो बॉडी का जो फंक्शन है उसको बेहतर करने में काम करते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से सोचना भी पड़ता है कि भाई क्या बनाना। बिल्कुल सही बात है, और बच्चों के लिए खास तौर से इसे ज़्यादा सोचना पड़ता है कि वो छोटे से डिब्बे कुल ले जाना पसंद करते हैं, वो हमारी तरह बड़ा सा टिफिन कैरियर या कुछ ऐसी चीज़ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उन्हें वो चाहते हैं कि वो बस्ते के अंदर ही रहे और दिखाई ना दे। उन्हें भागम भाग रहती है तो एक पानी की बोतल भी रहती है, तो वो टिफिन अलग से नहीं ले जाना चाहते हैं। और कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ रस भी ना हो, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, उछलेंगे कूदेंगे तो वो बहे ना, तो छाछ आदि जैसी चीज़ें भी उन्हें नहीं दी जा सकती। लेकिन हाँ, इसी चक्कर में कुछ लोग जल्दबाजी में क्या होता है, बाजार की बनी हुई चीज़ जो पैक्ड आती है, पैकेट है, वो दे देते हैं, तो वो बिल्कुल ना दे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम परेशान बहुत होते हैं, लेकिन घर में बनने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दिया जा सकता है, जो उनके लिए तो सेहतमंद है ही और ले जाने आदि में भी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे बात करें तो रोज़मर्रा में हम उपमा, पोहा, आलू के पराठे हैं, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, दे सकते हैं। सैंडविच भी वैसी वाली दे सकते हैं जो तवे पर सेकी हो, जो बाद में ऐसी कड़ी ना हो जाए जो वो बच्चे ना खा सकें। और बाकी कटलेट आदि जैसी चीज़ें हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तली हुई चीज़ तो सभी को पसंद आती है। हाँ जी बिल्कुल। और उसी तरह से जो एक कहते हैं ना पास्ता वगैरह है या पिज़्ज़ा वगैरह है, बच्चों को पसंद आता है, लेकिन वो अगर घर में बना करके दे दिया जाए तो वो बड़े अच्छे से। पराठा जो होता है उसमें भी बहुत सारी जो अलग अलग सब्जियां होती हैं जो बच्चों को पसंद हो, तो उसको भून कर रखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। थोड़ा सा उसमें अगर ऊपर से चीज़ डाल दें वगैरह तो वो अच्छा स्वाद आता है, तो फिर वो आराम से खा लेते हैं। इसी तरीके से जैसे कि फ्रैंकी होती है, उसको अलग ढंग से भी रख सकते हैं, इडली डोसा भी रखा ही जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटे छोटे आप उत्तपम बना सकते हैं, अप्पम जो है वो भी अच्छा लगता है, वो खा सकते हैं। तो इडली भी है, कभी आप फ्राई करके दे दीजिए, कभी चटनी के साथ दे दीजिए, कभी सूखी चटनी के साथ दे दें, तो एक तरीके की विविधता हो जाती है उनके खाने में, और वो बड़े आसानी से खा भी सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगेगा। ढोकला है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लंबी सूची है, लेकिन हम परेशान रहते हैं, हम सोचते हैं बना बनाया जो आ जाए वो हम दे दें और फटाक से हम फ्री हो जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है ना, वो अजी की पैकेट को काटा, हाँ चूंकि भाई कहा गया है कि बिल्कुल भी पैक नहीं देना है, तो फिर उसको काटते हैं फटाक से और रास्ते में ही उसको टिफिन में डाल दिया, तो अब ऐसा लगेगा कि बच्चे ने टिफिन ही लाया है, घर से लेकर आए हैं। तो भाई इस तरीके की जो अगर हम कुछ भी चीटिंग कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं तो हम खुद को दे रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि घर की बनी हुई चीज़ दें, और ऐसी दें वही जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो ठंडी भी खाई जा सके। जी जी। और बच्चे अगर खाते हों बुआ जी, तो ठेकुआ वगैरह जो होता है, जो पुआ वगैरह होता है या मठरी होती है, बिल्कुल, तो मुलायम बना लें तो उन्हें भी रख करके दिया, जैसे जल्दीबाजी में अगर कभी नहीं बना पाए तो ये होता है कि भाई बाहर से खरीद करके कुछ टिफिन में डाल दो, तो उस स्थिति में डाला जा सकता। तो इसके लिए ये भी अच्छा है कि आप बराबर अपने घर में खुद नाश्ता बनाएं, और ताकि कुछ भी ऐसी इमरजेंसी का समय आए, अचानक लग रहा है, तभी आप रख पाएंगे, क्योंकि इसको आप तुरंत नहीं बना पाएंगे। तो और अगर बनाना है कभी तो हाँ, ये नमकीन पूड़ियाँ जैसे आती हैं थोड़ी कुरकुरी वाली, मसाला पूड़ी जिसको कहते हैं, वो बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे और भी व्यंजन हैं जिन्हें बनाया जा सकता है। जी जी। और अगर आपके पास समय है तो फिर घर में समोसे बना के दीजिए उन्हें, है ना, कचौरी है, खस्ता कचौरी है, ये सारी चीज़ें बना के दे सकते हैं। मटर की कचौड़ी दें या मूंग की दाल की जो कचौड़ी होती है वो दे सकते हैं ना। हाँ, सुबह बनाने में इनको दिक्कत होती है, तो रात में बना करके भी रखा जा सकता है बुआ जी, दिया जा सकता है। हाँ, और जो एक तरह से कहते हैं कि जैसे बासी भोजन है, हाँ, तो उसको गर्मा करके बिल्कुल ना, कई बार बिल्कुल वो खराब हो जाता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते, वो उसको खा लेते हैं जी, तो कभी कभी खा जाते हैं। हाँ, क्योंकि हल्का अगर खराब होना शुरू जब होता है, अगर तब खाएंगे तो कभी कभी हमें भी नहीं पता चलता है, थोड़ी देर बाद एहसास होता है, तब तक आपके वो शरीर में जा चुका होता है। और अभी जैसे तुमने बारिश की बात कही,
तो बारिश में खासतौर से चीजें जो गर्म ठंडी होती हैं वो बहुत जल्दी खराब होती हैं, तो इस समय एहतियात रखना बहुत जरूरी है। जी जी, और लंच बॉक्स वगैरह जो है उसको इस तरह से नहीं कि मतलब कई बार बच्चे खोलते हैं और खुलता भी नहीं है तो वो खाना जो होता है वो गिर जाता है, तो वो इजी तरह से खुल जाए, आराम से खुल जाए ऐसा भी लें। पानी की बॉटल्स भी उसी तरह से होती हैं, जैसे साफ सफाई का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है बुआ जी। देखो टिफिन जो होता है अधिकतर जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो उनका साफ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए खासतौर से आप सिर्फ स्पंज या कपड़े से ही उसे साफ करें, जैसे हमने कहा कड़ा अगर ब्रश है तो उसमें धारी पड़ जाएगी, उसमें पड़ जाएगा। और प्लास्टिक के टिफिन में खासतौर से गर्म चीजें बिल्कुल ना रखें, अगर आपको कोई ऐसी चीज रखनी है क्योंकि बाद में तो ठंडा होना ही है, उसको आप अच्छी तरीके से ठंडा कर दीजिए और उसके बाद टिफिन में रखिए अगर प्लास्टिक है तो। नहीं तो आजकल ऐसे भी आ रहे हैं कि स्टील के डिब्बे होते हैं उसका जो केवल ढक्कन होता है वो प्लास्टिक का होता है, उसमें अच्छे तरीके से गास्केट लगा होता है तो एयर टाइट भी रहता है, तो उन चीज़ों का प्रयोग करें। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो टिफ़िन है वो किस धातु का बना हुआ है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्लास्टिक का ले रहे हैं तो उसकी जगह स्टील का ले ज़्यादा अच्छा। कोशिश करें, और कुछ शीशे के भी आते हैं अगर बच्चा आपका ले जा सकता है तो बहुत ही अच्छा। हाँ सखी सहेली कार्यक्रम से भी अब विदा लेने का समय आ गया बुआ जी, तो कल मिलने के वायदे के साथ लेते हैं विदा। जी बिल्कुल, सभी को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।